हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह के नाश्ते में क्या बनाए और बहुत ही जल्दी बन जाए, तो आज हम बनाएंगे चटपटा फ्राई चना। बहुत ही झटपट और कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, चना आपने लिया था, उसको रात भर भिगो कर रख दिए थे और चना अच्छे से फूल गया है। उसको हमने 2 से 3 बार पानी से धुल लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चने को उबाल लेंगे। तो कुकर में हम सारा चना डाल देते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी बनने वाला है ये नाश्ता। तो इसमें हम पानी डाल दिए, तो चने के बराबर पर हमने पानी डाल दिया। और कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे, बिना सोडा का भी ये उबल जाता है। तो पानी हमने डाल दिया है, तो इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। मेरे कुकर में 3 से 4 सीटी में पक जाता है आसानी से। दोस्तों, गैस हमने बंद कर दिया है। तब इधर गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया, तेल डाल दिए। तेल गरम हो चुका है। 2 प्याज थे बड़े साइज के, उसे हमने लंबे में कट कर लिया है। प्याज को हल्का सा भुनेंगे, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। और ये चना को हमने पूरा निकाल लिया। तो ये देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, चना जो एकदम अच्छे से उबल गया है। ये देखिए, उबले हुए चना आप जब बनाएंगे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चाय के साथ नाश्ते में बनाइए, लंच में भी दे सकते हैं आप इसको। तो प्याज को अब हम चला लेते हैं। तो ये देखिए, प्याज का कलर जो है हल्का सा चेंज हो चुका है, ज़्यादा डार्क हम नहीं किए हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। आप चाहे तो तीनों को बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं, तो ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे। तो 1 चम्मच हमने पेस्ट डाल दिया है और इसको चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। अब इसे में डाल देते हैं 1 टमाटर था, उसे हमने मोटे मोटे साइज में कट कर लिया है, तो उसको भी हम डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और चटपटा चना बनकर तैयार होने वाला है। टमाटर हल्का सा गल गया है, तब इसमें हम ऐड कर देते हैं उबला हुआ चना। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए, मिक्स 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हींग डाल देना है आपको। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आमचूर का पाउडर डाल दिया, आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिए। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मिक्स हो चुका है। तो अब हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट तक हम इसको और अच्छे से पका लेंगे। तो ढक देते हैं। तो दोस्तों, 2 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, चला देंगे इसको। ये देखिए, हल्का सा भुन गया है चना। तो इसको हम ढक देते हैं, 1 मिनट तक और पका लेंगे, ताकि चना भी थोड़ा सा अच्छे से भुन जाए, तो खाने में और टेस्टी लगता है ये। तो चना भुनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। तो इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हेल्दी एंड टेस्टी चना सुबह के नाश्ते में आप बनाइए। पूरा चना जो हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चना की हेल्दी रेसिपी कैसी लगी है, हम आपको ये पास से दिखा देते हैं कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार हुआ है।
दोस्तों रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बताएं रेसिपी लगी है तो आप भी सुबह के नाश्ते में लंच बॉक्स में फटाफट ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।